हे एवरीवन, स्वागत है सभी का फिर से एक नए वीडियो में। सो दोस्तों, ये जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आप लोग पीछे देख सकते हैं एप्सन इको टैंग L3210। दोस्तों ये जो प्रिंटर है, इस प्रिंटर से भी आप लोग कुछ भी कोई भी मोबाइल से एंड्रॉयड मोबाइल के मदद से दोस्तों आप लोग फोटो वगैरह या दोस्तों आप लोग मोबाइल से कुछ भी डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ निकाल सकते हैं। बिल्कुल ईजी एंड आसान है, आप लोगों को स्टेप बाई स्टेप मैं इसी वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही हेल्पफुल एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। वीडियो को जरूर अंत तक देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों आप लोगों का मोबाइल में कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह है तो दोस्तों आप लोग एप्सन L3210 इस प्रिंटर के मदद से आप लोग मोबाइल फोन से भी आप लोग कुछ भी डॉक्यूमेंट वगैरह निकाल सकते हैं, प्रिंट आउट। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को मोबाइल में जैसे कि पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह भी अगर आप लोग निकालना चाहती है तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिए, मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप इसी वीडियो के अंदर सब कुछ दिखाने वाला। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप लोग स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं कैसे आप लोग अपने मोबाइल फोन को एप्सन L3210 प्रिंटर से कनेक्ट करेंगे एंड दोस्तों प्रिंट आउट भी निकालेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करें। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को मोबाइल में कनेक्ट करने के लिए प्रिंटर को, सबसे पहले आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन में चला जाना है। एंड्रॉयड कोई भी स्मार्टफोन हो दोस्तों, उस फ़ोन में आप लोग सिंपली क्या करेंगे, अपना फ़ोन का जो प्ले स्टोर होता है प्ले स्टोर में डायरेक्ट आप लोग चला जाएंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा मोबाइल फ़ोन में है, तो अभी हम आपको दिखाएंगे प्ले स्टोर से आप लोगों को एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, और वो एप्लीकेशन जो है मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। देख सकते हैं मैं अपने प्ले स्टोर में चला आया हूँ और यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे दोस्तों एप्लीकेशन का नाम है निको पिंट, तो NOKO निको पिंट आप लोगों को जो सॉफ्टवेयर है उसको आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं निको पिंट हम सॉफ्टवेयर जो है वो उसको सर्च कर चुके हैं, और दोस्तों देख सकते हैं प्ले स्टोर में चला भी आया है जो है निको पिंट। इस सॉफ्टवेयर को हम लोग सिंपली क्या करेंगे, अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड करके इंस्टॉल भी कर लेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा जो फ़ोन है उसमें सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है जो है निको पिंट करके एक सॉफ्टवेयर होता है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उस सॉफ्टवेयर को दे दूंगा दोस्तों, अगर आप लोग चाहे तो वहाँ से भी आप लोग रीडायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो देख सकते हैं हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो अभी डाउनलोड कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों आप लोग सिंपली सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ टाइम लेगा, प्रोसेसिंग होगा। दोस्तों देख सकते हैं सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को कुछ सेकंड तक प्रोसेसिंग में रहेगा सॉफ्टवेयर। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं प्रोसेसिंग कम्प्लीट होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों आप लोग प्रिंटर का USB केबल में दोस्तों आप लोगों को OTG केबल कनेक्ट कर लेना है। OTG केबल कनेक्ट करने के बाद दोस्तों अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर जो OTG केबल है उसको आप लोग सिंपली क्या करेंगे, मोबाइल फ़ोन के अंदर आप लोग कनेक्ट कर देंगे। तो मोबाइल फ़ोन के अंदर कनेक्ट करने के बाद दोस्तों आप लोगों का जो काम है, सबसे पहले अपना मोबाइल फ़ोन का जो है OTG जो है उसको आप लोगों को ऑन करना पड़ेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने हमारा जो प्रिंटर का डेटा केबल है उसको OTG से कनेक्ट कर दी। तो अभी आप लोग क्या करेंगे, अपना एंड्रॉयड मोबाइल का फ़ोन में सेटिंग में चला जाना है। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आप लोगों को मैं दिखाता हूँ आप लोगों को सिंपली क्या करना है, OTG एक ऑप्शन होता है उसको आप लोगों को ऑन करना है। तो दोस्तों हम लोग OTG यहाँ पर एंड्रॉयड सेटिंग में जाने के बाद OTG सर्च करेंगे सेटिंग में। सिंपली हम क्या करेंगे, अभी सर्च बार में एक बार क्लिक कर देंगे, OTG लिखा हो गया। तो सर्च में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को दिखाएगा OTG का जो सेटिंग है वो ऑटोमेटिक सामने चला आएगा, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों OTG जो हमारा सेटिंग है इसमें हम लोग सिंपली देख सकते हैं ऑन किया हुआ है, यहाँ पर आप लोग ऑन कर लेना। अगर आप लोगों को ऑफ है तो ऑन करने के बाद दोस्तों सिंपली हम मिनिमाइज करेंगे उसको। उसके बाद हमारा जो पिन जो सॉफ्टवेयर हमने डाउनलोड की है वो सॉफ्टवेयर में चला जाना है। सिंपली निको पिन जो सॉफ्टवेयर है उसमें चला आया है। अभी क्या करेंगे, हमारा जो OTG केबल है उसको निकाल के फिर से हम लोग OTG केबल को लगाएंगे। तो लगाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हैं जो सॉफ्टवेयर है वो शो कर रहा है। जैसे दोस्तों हमारा जो सॉफ्टवेयर है निको पिंट, इसमें हम लोग एक बार टच करेंगे। तो टच करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सिंपली मोबाइल फ़ोन में USB देख सकते हैं दोस्तों एप्सन L3210 प्रिंटर शो करेगा। तो उसमें टच करने के बाद दोस्तों सिंपली यहाँ पर यूज़ एक्सेप्ट में आप लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों कन्फर्म करेंगे। कन्फर्म करने के बाद दोस्तों हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो मोबाइल में इंस्टॉलिंग में बैठ जाता है। एंड दोस्तों यहाँ पर कुछ टाइम लेता है, कुछ सेकेंड तक टाइम लेगा जो सॉफ्टवेयर है वो अभी इंस्टॉल हो रहा है मोबाइल फ़ोन में। तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कंप्लीट होने के बाद आप लोग इस फ़ोन से कुछ भी डॉक्यूमेंट वगैरह फोटो पासपोर्ट फोटो वगैरह सब कुछ प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग का टाइम लेता है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने में। तो उसे देख सकते हैं अभी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल सक्सेसफुली हो चुकी है, जो प्रिंटर सेटअप एकदम सक्सेसफुली हो चुकी है। तो सिंपली आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ओके पर आप लोग क्लिक करेंगे। तो हम क्या करते हैं ओके पर एक बार क्लिक कर देते हैं। तो ओके पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारा जो फ़ोन का बिल्कुल होम पेज में चला आया है। अभी यहाँ पर से देख सकते हैं दोस्तों फोटो में क्लिक किया, हम फोटो में
क्लिक करके हमारा फ़ोन का जो जितने भी फोटो वगैरह है यहाँ से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। या दोस्तों यहाँ से आप लोग प्रिंट आउट भी दे सकते हैं, तो फोटो वगैरह सब कुछ दे सकते हैं। यहाँ से आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन का जो मेमोरी है जो वहाँ पर भी जा सकते हैं, मतलब SD कार्ड में भी जा सकते हैं, मोबाइल का फ़ोन में कुछ भी फाइल फोल्डर में अगर आप लोगों का फोटो वगैरह या दोस्तों डॉक्यूमेंट वगैरह है तो वहाँ से भी आप लोग जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं। जाने के बाद दोस्तों देख सकते हैं हमारा फ़ोन का जो डॉक्यूमेंट वगैरह है, यहाँ पर फोटो वगैरह कुछ भी डॉक्यूमेंट वगैरह हम चाहे तो यहाँ से प्रिंट आउट दे सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों आप लोग इस सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज़ करके भी प्रिंट आउट दे सकते हैं। तो देख सकते हैं हम हमारा जो फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर है, मतलब फ़ोन का जो फाइल है, उस फाइल मैनेजर में हम आ चुके हैं उस सॉफ्टवेयर के मदद से। तो यहाँ से आप लोग कुछ भी प्रिंट आउट दे सकते हैं आप लोगों से। बस दिखाने के लिए हम सॉफ्टवेयर के सेटिंग में अंदर आए हैं, तो चलिए आप लोगों को एक प्रिंट आउट दे के दिखाते हैं। तो प्रिंट आउट देना बहुत ही इजी एंड आसान है। सिंपली हम उस सॉफ्टवेयर में होम पेज में चला है तो डॉक्यूमेंट में हम लोग देख लेते हैं तो डॉक्यूमेंट में कुछ भी नहीं दिखाता है। तो सिंपली हम लोग फिर से चेक करते हैं तो डॉक्यूमेंट में कुछ भी नहीं मिलता। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ से एक फ़ोटो को आप लोगों को प्रिंट आउट देके दिखाते हैं। उसके बाद प्रोसेस है प्रिंट आउट देने का, उसको भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो सिंपली हम क्या करेंगे, ये जो स्क्रीन शॉट किया है तो इसको सिंपली प्रिंट देने के लिए प्रिंट में एक बार हमने क्लिक किया और हमारा जो प्रिंटर है वो प्रिंटिंग करना स्टार्ट कर दिया। देख सकते हो दोस्तों पावर वाला जो लाइट वो ब्लिंक कर रहा है। एंड दोस्तों हमारा जो फोन में से हमने जो प्रिंट आउट दी थी वो काफ़ी स्पीड से प्रिंट का स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा है। एंड देख सकते हैं ब्लैक एंड व्हाइट कलर सभी कुछ आप लोग ऑप्शन मिलेगा प्रिंट आउट देने के वक्त। हमने सिंपली कलर प्रिंट आउट दी थी और हमारा जो फ़ोन का जो स्क्रीन शॉट था वो प्रिंट आउट होकर निकल आई है। देख सकते हो दोस्तों प्रिंट आउट हो चुकी है। तो अभी आप लोग क्या कर सकते हैं, मतलब अभी हम आप लोगों को इसको मिनिमाइज़ करके दिखाते हैं, मतलब डायरेक्ट फ़ोन का फाइल मैनेजर से भी आप लोगों को प्रिंट आउट के दिखाएंगे। तो सिंपली इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं। मिनिमाइज करने के बाद दोस्तों हमारा जो फ़ोन का जो फाइल मैनेजर है उसमें जाते हैं, मतलब आप लोग किसी भी फोन लोकेशन से आप लोग प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, अभी हमारा जो फ़ोन का जो फाइल मैनेजर है यहाँ पर हम लोग चला जाते हैं। तो जाने के बाद दोस्तों सिंपली यहाँ पर एक बार डॉक्यूमेंट में हम क्लिक करेंगे, जो हमारा जो PDF फाइल वगैरह है वो अभी दिखाएगा। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं डॉक्यूमेंट में क्लिक करने के बाद दोस्तों ये सभी PDF फाइल है, इस PDF फाइल को हम प्रिंट आउट देंगे। इसके लिए PDF फाइल में एक बार क्लिक करते हैं दोस्तों, मोर ऑप्शन आती है तो आप लोगों को फिर से दिखाते हैं और एक बार टच करके दिखाते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने ये वाला PDF फाइल को प्रिंट देना है तो इसमें एक बार सिंपली टच करते हैं। टच करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर मोर ऑप्शन दिखाते हैं, तो मोर में टच करेंगे और हमने जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड की थी उस सॉफ्टवेयर में आप लोग सिंपली चला जाना है। जैसे कि दोस्तों निको पिन में हम चला है और देख सकते हैं ये लॉटरी का रिजल्ट है, तो इसको पिन देने के लिए सिंपली हम लोग प्रिंट में क्लिक किए और हमारा जो प्रिंटर है वो पावर वाला लाइट ब्लिंकिंग हो रहा है, मतलब अभी प्रिंटिंग करेगा दोस्तों। जैसे दोस्तों हमने लॉटरी का रिजल्ट प्रिंटिंग दी है वो अभी प्रिंटिंग हो रहा है। दोस्तों अगर वीडियो का अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों मेरे चैनल पे जो भी नया है चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो लाता रहता हूँ इस चैनल पे। अगर दोस्तों मोबाइल फ़ोन से आप लोग पासपोर्ट साइज फोटो प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो दोस्तों मैं एंड स्क्रीन में या दोस्तों आई बटन में भी एक वीडियो डाल दूंगा, उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके दोस्तों आप लोग इस सॉफ्टवेयर के मदद से आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन में ही आप लोग आराम से इजीली पासपोर्ट साइज फ़ोटो वगैरह सब कुछ निकाल सकते हैं, आप लोगों का कंप्यूटर का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों वीडियो बस यही तक था, वीडियो का अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। एंड दोस्तों मेरे चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर फुल वॉचिंग।